I'm with so sorry to. जी We've got Mr. Taj Haider online, who is with the PPP. We have a PPP government now, a majority government in the federal capital. Assalamualaikum, Taj Haider saab. वालेकुम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. हमारी गुफ्तगू हो रही है आज बल्तिस्तान, गिलगित के इलाके पे, कश्मीर पॉलिसी पे. आप हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियोज में जनाब नवाज खान नाजी साहब, जो कि फाउंडर हैं ऑफ बलाविस्तान के. इन्होंने हमें बहुत इसकी हिस्ट्री बताई. आप ये बराबर बताइए कि दिस इज द न्यू नेम व्हिच दे हैव कंसीव्ड फॉर अस, द स्टेट ऑफ बल्तिस्तान एंड गिलगित, जिसमें चित्राल वगैरह सब कुछ आ जाता है. आप ये बताइए, वहां पे हमेशा से पीपीपी की अक्सरियत रही है, और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी बिफोर हर ट्रेजिक असैसिनेशन, शी हैड आल्सो टॉक्ड अबाउट यू नो इस एरिया में बहुत सी यू नो जो चीजें हैव बीन ओवरलुक्ड एंड नॉट राइट्स नॉट व्हिच हैव नॉट बीन गिवन टू देम. तो असेंबली की भी उन्होंने बात की थी मेरे ख्याल में. आप किस तरह ये देख रहे हैं नाउ विथ योर गवर्नमेंट बीइंग द रूलिंग पार्टी? देखिए, चित्राल है सूबे सरहद में, चित्राल शुमाली इलाकों का हिस्सा नहीं है। इसी बात पे गुफ्तगू हो रही है ताज साहब, वो नहीं मानते हैं कि ये सूबे सरहद का इलाका है. देखिए, जुग्राफियाई तौर पे, आईन के तौर पे वादी चित्राल इस वक्त सूबे सरहद में है, ठीक अगर है, मेरी इत्तला गलत नहीं ओके, है, आप और बोलिए. वहां से बेगम नुसरत भुट्टो इलेक्शन भी लड़ चुकी है। ठीक है. अच्छा, ये नॉर्दर्न एरियाज जो है, यहाँ पे पूरी जद्दोजहद आजादी यहाँ पे शुरू हुई। गिलगित के अंदर ब्रिगेडियर गण सारा सिंह डोगरा राज के वहां पे रिप्रेजेंटेटिव थे, जी वहां के लोग जो थे वो उठे, उन्होंने वहां पे डोगरा राज के खिलाफ जंगे आजादी लड़ी। सही. मेरे ख्याल से कर्नल हुसैन थे, सॉरी कर्नल मिर्जा हसन जो जी के कमांडर इन चीफ थे ओके अफवाज आजादी के, ठीक. और वो उन्होंने गिलगित को आजाद कराया और आजाद जमहूरिया गिलगित उन्होंने ऐलान किया। साथ ठीक ही साथ अब्बास एक उनके थे साथी, वो पैदल चल के आए थे पिंडी, और उन्होंने मोहम्मद अली जिना कायद आजम को खत लिखा था कि हम आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। तो आजाद जमहूरिया गिलगित कायम रही 17-18 दिन, और उसके मैं बाद बिल्कुल अग्री कर रही हूँ ताज साहब. ये सारी उन्होंने हमें काफी हद तक हिस्ट्री बताई. व्हाट माय व्यूअर्स वुड लाइक टू नो इज दैट इस इलाके को दे फील दे आर डिप्राइव्ड बिकॉज पाकिस्तान 1947 के बाद पाकिस्तान नेवर ओपनली डिक्लेयर्ड देम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, इन एनी ऑफ इट्स दे कॉन्स्टिट्यूशंस. आर ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान, दे ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। नॉर्दर्न एरियाज उनको कहा गया, जहां पे आपने तलवार मारी मेरी बात पे, खत्म किया ऐसे, जी वही मैं कह रहा हूँ कि मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पे भेजा हुकूमत पाकिस्तान ने, और आजाद जमहूरिया गिलगित खत्म करके इन पार्ट्स को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। तो ये तारीखी हकीकत है, और हुकूमत पाकिस्तान का एक, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, आपने नोटिस नहीं लिया, नहीं तो मैं इसकी तैयारी कर लेता, जी लेकिन वो यहाँ से एक साहब गए और जी उन्होंने टेक ओवर किया एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से वहां से। उसके बाद कोई तहसीलदार थे जो आप बता रहे हैं, नाम इन्होंने नहीं बताया. इसे सरदार सरदार खान आलम साहब, अपेरेंटली सरदार खान आलम सरदार साहब, आलम जी सरदार आलम साहब जो तहसीलदार थे अकॉर्डिंग टू सरदार नवाज आलम साहब. साहब वहां गए थे और उन्होंने उसको टेक ओवर किया। उसके बाद फिर इस इलाके पे खुसूसी तवज्जो दी गई, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मंसूबा है शाहराह रेशम का, वो यहाँ पे शुरू किया गया चीन के ताउन के साथ। शाहराह रेशम पे मैंने फिल्म भी बनाई है पाकिस्तान टेलीविजन के लिए। ठीक है. अच्छा, अब ये है कि ये तमाम चीजें थी, लेकिन जो सूबे का दर्जा था जी और सूबाई असेंबली बाकायदा मुंतखब, वो यहाँ पे नहीं होती थी, इसलिए कि बहुत सी हुकूमतों का ख्याल ये रहा कि प्लेबिसाइट होने की सूरत में यहाँ के वोट जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे। हरचंद की ये जरूरी नहीं था, जो मकबूजा कश्मीर था
उसके अंदर से भी अगर प्लेबिसाइट होता तो जी पाकिस्तान ही जीतता। मैं ये आपको इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ ताज साहब, इनका कहना ये है नवाज साहब का कि दे हैव फेल्ट डिप्राइव्ड बिकॉज हमारी जो कश्मीर पॉलिसी रही है, वी हैव बीन ओपनली यू नो लाइक बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ द कश्मीर पॉलिसी, चाहे वो आजाद कश्मीर की हो, लेकिन ये कहते हैं कि इनके इलाके पे आई थिंक अपार्ट फ्रॉम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हु ड्यूरिंग हिज गवर्नमेंट एक हफ्ते गालिबन उन्होंने जाके ये इस इलाके में वो बल्तिस्तान के एरिया में वो रहे थे, उसके बाद तो कोई हुकूमत से कोई वो नहीं रहे गया। थे और बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, इतना बड़ा जलजला आया था जी जी और मुझे मौका मिला था भुट्टो जब वापस आए थे यहाँ कराची में आए और उस रात को मेरी खुशकिस्मती थी कि उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने जो अल्फाज मुझसे कहे उन्होंने ये कहा कि मैं तुम लोगों को अगर ना देखता तो मैंने आज इतनी तबाही देखी है कि मैं मर जाता। तो आप मुझे आप बताइए कि बिकॉज वी सी आई एम नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड वॉलेटाइल बिकॉज दे आर नॉट मिलिटेंट्स, दे आर वेरी पीस लविंग पीपल। हमने देखा है जो कराची में भी इनके इलाके से लोग आते हैं वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल पीपल होते हैं, हार्ड वर्किंग, लेकिन इनकी जो फीलिंग ऑफ डिप्रिविएशन है, इनकी जो मैंने वो जगह नहीं देखी कि जहाँ के लोग खराब हो, नहीं वो आप बाकी जगह भी दो मिनट छोड़ दें ताज साहब, लेट्स जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन बल्तिस्तान, उनकी हुकूमत जो कुछ भी चाहे करे, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट बल्तिस्तान नाउ। आप मुझे ये बताइए कि आप मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, नहीं आप मुझे ये बताइए कि आगे किस तरह इनके मसाइल हल होंगे, वी डू नॉट वॉन्ट अनदर यू नो सिचुएशन अराइजिंग देयर। कि एक जो टैक्स देने वाले का राइट होता है वो टैक्स देने वाले का ये राइट होता है कि अपने नुमाइंदे मुंतखब करे। बीबी शहीद ने यहाँ पे पहली दफा काउंसिल बनाई और इनको ये हक मिला कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करें और खुद अपने इलाके पे अपने नुमाइंदों के जरिए हुकूमत करें। ओके मिस्टर अली नवाज, सॉरी आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू बट मेरी नॉलेज इज मच मच लेस। अली नवाज साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए। नहीं नहीं मैम, नहीं मैम, पहले मेरी सुन। अच्छा आप कह दें। अब ये है कि जो उनका एक मुतालबा है कि सूबे की हैसियत दी जाए, जी हाँ, अच्छा उसको हम जायज मुतालबा समझते हैं। उसमें जो मसला पैदा हो रहा है वो ये है कि आईने पाकिस्तान में सूबे दिए हुए कि ये हमारे सूबे हैं और उसके अंदर गुंजाइश ये रखी गई है कि और दूसरे इलाके के जो बाकायदा तौर पे शामिल होने चाहिए। अच्छा अब उसमें आपको एक पांचवा सूबा देने के लिए आईन में तरमीम लानी पड़ेगी और कभी हमारी ये इतनी अक्सरियत नहीं हुई हम आईन में तरमीम लाए। बहरहाल जो भी इसमें फैसला होगा वो इनकी मुंतखब काउंसिल वहां मौजूद है कि जो कि बीबी शहीद ने बनाई है, उस मुंतखब काउंसिल के जो भी फैसले होते हैं उनसे बड़े क्लोज कंसल्टेशन के साथ जो है वो आइंदा के बारे में। ओके आई थिंक नाउ वी मस्ट लिसन टू हिम, या कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। जी 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 अच्छा, मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हम जिंदगी भर जो है जर्नलों को और इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की मुखालिफत इवन दिन गाली